गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक फिर से बादल वाला दिन है और सुबह सुबह ओडिन इवान को स्कूल लेके जा रहा है। आज भी इवान का मूड खराब है क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाना है। तो जब मैंने उसकी हेल्प की उसको टेबल से उतारने में, तो वो मुझसे काफी नाराज हो गया और रोने भी लग गया थोड़ा थोड़ा। जब ओडिन वापस आया तो थोड़ा अपना सामान भी ले गया अपने नए वाले ऑफिस में, कॉफी रिलेटेड सारा, जैसे कॉफी कंटेनर्स, कॉफी बीन्स। तो ओडिन का कभी भी मैं थोड़ा भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो बहुत कॉन्शियस हो जाता है और बिल्कुल बोलना भी बंद कर देता है, तो मैं कम ही करती हूँ। तो ओडिन के जाने के बाद मैं भी निकल पड़ी सिटी की तरफ मेरा लैपटॉप वाला बैग लेके। तो आपको पता होगा कुछ टाइम से मैं चक्कर काट रही थी ऑफिसों के, क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराना था। वो काम आज हो गया है, आज मुझे सिर्फ कलेक्ट करने के लिए जाना है। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी ग्रीन कलर की थीम है मेट्रो स्टेशन पे, सब कुछ ग्रीन। देखो मेरा काम, मुझे बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं यहाँ आई विद इन 1 सेकंड। उन्होंने बोला कि यहाँ से कलेक्ट करना है, 1 सेकंड में मुझे पेपर मिल गया और मैं वापस निकल गई। यानी ऑफिस में मैंने पूरा 1 मिनट भी नहीं बिताया, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गया, मैं जा रही हूँ वापस। अब मैं कुछ खाने का लेने वाली हूँ। तो फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के बाहर ही एक 7-Eleven है और वहीं से मैं हमेशा कुछ ना कुछ खाती हूँ, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा चॉइसेस है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरा वैसे भी ADHD ब्रेन है, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि एक सिंपल सा बन ले लेती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, सिर्फ वेजिटेरियन और मीट वाला है, तो मैंने वेज वाला ऑर्डर कर दिया। ये ऐसे थैली में डाल के गरम करके देते हैं, बहुत ही सिंपल होता है इसका टेस्ट, शायद सब लोगों को पसंद भी ना आए। मैंने जो लिया है उसके अंदर है बॉक चॉय करके एक सब्जी होती है, उसको काट के उसके साथ शिटाकी मशरूम, इसका कॉम्बिनेशन होता है। सब्जी ये चेंज भी कर देते हैं बट मोस्टली बॉक चॉय या फिर मस्टर्ड ग्रीन्स होती है। अब मैं यहाँ से सीधा जाऊंगी घर। टिकट कंसोल के पास ही मुझे दिख गया एक पॉप मार्ट की वेंडिंग मशीन, जिसमें ना कार्टून, वीडियो गेम या कॉमिक रिलेटेड टॉयज जैसे होते हैं, फिगरीन्स बोलते हैं इनको, छोटी छोटी मूर्तियां होती है। कौन सा नया कार्टून है ये पता नहीं, पहले नहीं देखा मैंने। पॉप मार्ट के भी ना नए नए निकलते रहते हैं फिगरीन्स। यहाँ पे पूरी वेंडिंग मशीन है पॉप मार्ट की। आई गेस जब इवान थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसको भी इन चीजों का शायद शौक हो जाए, क्या पता। खत्म कर दिया है मैंने ऑलमोस्ट, इतना सा बचा है, पेट भर जाता इससे, ऑल्दो ये सिर्फ 20 रुपए का होता है। तो आज मैं घर जाने की बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इवान के घर आने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और उसको उसकी स्कूल बस से पिक कर लूँ। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँची तो ओडिन को ऑफिस से वापस घर आना पड़ेगा। स्टॉप से 15 नंबर की बस लेने वाली हूँ। कहाँ है 15 नंबर की बस? तो मैं मेट्रो से उतरते ही बस स्टैंड आ गई, जो कि मेट्रो स्टेशन के नीचे ही था, और यहाँ पे एकदम बस निकलने ही वाली थी और मैंने कैच कर ली। 1 मिनट भी लेट हो जाता ना तो मुझे आधा घंटा वेट और करना पड़ता। और यहाँ पे आप आओगे तो देखोगे कि चाइनीज लोग कभी भी पब्लिक प्लेसेस में बात नहीं करते हैं, लाउडली तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 फॉरेनर्स दिख गए जो बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे। करवर के मैं आ गई हूँ घर और इवान को आने में आधा घंटा है, तो मैं सोच रही हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू माई होम एंड देन कमिंग बैक, बेसिकली मैंने सोचा आधा घंटे के लिए घर जाने से अच्छा आधा घंटा मैं यहाँ घर के बाहर ही टाइम पास कर लेती हूँ, और वो ही मैंने किया और इवान की स्कूल बस आ गई। जब से इवान को पता चला है कि लोग हमेशा के लिए नहीं जीते, वो इतने क्वेश्चंस पूछने लग गया है ना जीने मरने पे। तो एनीवेज जब मैं वापस घर आई तो देखा कि ओडिन खाना बना के रख चुका था खूब सारा। क्यों मैं नहीं खाना बना पाती हूँ ओडिन के लिए? क्योंकि वो 10-15 मिनट में इतना अच्छा सब कुछ बना देता है अपने अनुमान से। ये चाइनीज फूड का अनुमान एक तो मेरे पास है नहीं, और इतना अच्छा इसके फैमिली में मैंने किसी को बनाते नहीं देखा है, मैंने चाइना में रेस्टोरेंट्स में नहीं खाया है, तो इसकी बराबरी मैं कर ही नहीं सकती। और एक डिश में क्या क्या है देखो, ये गार्लिक के कुछ तो है, ये ब्लैक मशरूम, प्याज, श्रिम्प, स्क्विड्स कटे हुए, और शिमला मिर्च खूब सारी। सर्वगुण संपन्न खाना है ये। The next day.
आज सुबह सुबह बहुत सारे सायरन्स बजने लगे, 5-6 बार सायरन्स इन्होंने बजाए। मुझे लगता है मॉक ड्रिल होती है ऐसे ही टेस्ट करने के लिए कि बजते हैं कि नहीं। तो इवान बहुत ज्यादा डर गया था और सारे खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ गया। ओडिन आज अपने ऑफिस से कॉफी मशीन उठा के ले आया है, तो सोच रहा होगा कि एक घर में रहनी चाहिए क्योंकि पहले वो सारी लेके चला गया था, उसी के सारे पार्ट्स कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। इवान को भी एक पेपर प्लेन बना के दे दिया मैंने और बहुत ही पसंद आ गया उसे। अभी हम लोग जा रहे हैं एग्जिट एंट्री ऑफिस में इवान के नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो मैं ओडिन के पीछे लगी थी कि इवान का पासपोर्ट बनाना है, रिन्यू करना है। एक्चुअली मैंने आपको बताया होगा कि मैं OCI के लिए अप्लाई कर रही हूँ इवान और ओडिन का। उसके लिए मैंने इसका पासपोर्ट चेक किया तो मैंने देखा इसका एक्सपायर होने वाला 3 महीने में, तो मैंने सोचा इसका पासपोर्ट नया बनवा लेती हूँ, रिन्यू कराती हूँ, उसके बाद OCI के लिए अप्लाई करती हूँ। और रिन्यू होने को सिर्फ यहाँ 10-15 दिन लगते हैं मैक्सिमम। तो आज हम वहीं जा रहे हैं, इसकी स्कूल की काइंड ऑफ छुट्टी हो जाएगी, लेकिन आज पेरेंट्स टीचर्स डे है तो आफ्टरनून में ना ओडिन आएगा, इसको लेके जाएगा पेरेंट टीचर मीटिंग में। और अभी सुबह तो मैं इसका पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके आ जाऊंगी वापस। इस ऑफिस में एंट्री करते ही हमको एक पेपर निकालना था इस कंप्यूटर से, एक लेडी यहाँ बैठी हुई थी वो सबको बता रही थी कैसे करना है। तो ओडिन चला गया है ऑफिस, उसके ये एक पेपर मिलता है इसको देखे, और बाकी का सारा काम अब मैं करूंगी इवान के साथ। उसको मुझ पे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सारे सरकारी काम कर सकती हूँ और मुझे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ फोटो लेने जा रहे हैं, काफी लंबी लाइन यहाँ लगी थी, हमारा नंबर आ गया है तो मैं इवान को बता रही हूँ कि कैसे कहाँ पे जाके बैठना है। और फोटो लेने से पहले वो इवान की पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह भर रहे हैं कंप्यूटर में। इवान लुक हियर, लुक हियर। ये है ना, 3-4 फोटोज लेते हैं और जो हमको पसंद आती है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके 6 कॉपीज देते हैं हमको और उसका हम देते हैं 300 रुपए। अब बस फाइनल स्टेप है, हम यहाँ पे बैठे हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। यहाँ पे ना मैक्सिमम आधे घंटे की वेटिंग होती है। और अब हम लोग आ गए हैं बाहर, हमारा काम हो गया पूरा। पासपोर्ट रिन्यूअल के हमको 1300 रुपए देने पड़े और होम डिलीवरी के ऑप्शन का मैंने चूज किया, उसमें 90 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े। बस में बैठ के मैं और इवान बात कर रहे थे तो हमारा स्टॉप ही छूट गया और हम एक स्टॉप लेट उतरे, और उसके बाद ना हम वेट कर रहे हैं वापस जाने की बस का। आज एक्चुअली ना बहुत महीनों के बाद मौसम भी ठंडा हुआ है और धूप भी निकली है और सुबह का टाइम है, तो घर जाने का मन नहीं कर रहा। वैसे मैं इवान को ले आई हूँ घर के पास वाले, नहर है वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास करेंगे। ये लोग सिटी के बीच में भी फॉरेस्ट वाले टाइप एरियाज बनाते हैं। व्हाट इज दिस? इट्स अ बग। यस, हाँ। इवान मुझसे पूछने लग गया कि ये पिंक पिंक क्या है, तो मैंने भी ये पहले कभी नहीं देखा था, च्यूइंगम जैसा लग रहा था या कोई फ्रूट जैसा लग रहा था। फिर घर आके गूगल किया तो पता चला कि ये एप्पल स्नेल्स के अंडे होते हैं जो कि पिंक पिंक कलर के होते हैं। अभी मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई है। हम जहाँ पे रहते हैं ना उस एरिया में हवा पानी बहुत अच्छा है, हवा बहुत ज्यादा क्लीन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब मैं देखती हूँ ना हमारे एरिया का, तो 30 के भी नीचे आता है। और पता है परसों काफी गर्मी थी, 30 के ऊपर टेम्परेचर था, और एक ही दिन में कल अचानक से ठंडा हो गया मौसम। यानी हमको AC भी नहीं चलाना पड़ा, हमको फैन भी नहीं चलाना पड़ा। रात को मुझे ठंड सी लगने लगी थी, बट है शंघाई का वेदर ऐसा ही। ओडिन वापस घर आ गया है, कचरा फैला रहा है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट चाइना में लोगों को सनफ्लावर सीड खाने की बहुत आदत है, लोग सनफ्लावर सीड के छिलके ऐसे फर्श पे फेंक देते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट्स हो या घर, सब जगह फर्श पे बिखरा हुआ मिलता है ये। तो इवान बोल रहा था कि बहुत डर्टी कर रहे हो आप, मैं क्लीन करूंगा, तो खुद अपनी झाड़ू लेके आया। नहीं
Nice job, you. Good job. और थोड़ी देर बाद ओडिन सुपरमार्केट का एक चक्कर काट के आया और क्या क्या लेके आया देखो। क्यूकम्बर और लेमन फ्लेवर के पटेटो चिप्स है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ब्रेकफास्ट में खाने वाला मिक्सचर। ये कोई थाईलैंड का स्नैक है लेकिन इसमें बारबेक्यू कोरियन लिखा हुआ है और चिकन ड्रमस्टिक जैसा शेप है। और ये कोई लोकल चाइनीज कंपनी का स्नैक है। इतने सुंदर पैकेजिंग करते हैं चाइना में और कहीं मैंने इतनी अच्छी नहीं देखी है। Then cook it, like put some glass of cup in, put some water and put the egg. Wait. Oh, Nana, now give you. Why didn't you use this? Oh. Okay. Papa, what do you want? Okay, noodle soup. Noodle soup, but okay. Okay. Open the fire, then put some pot here. Now, mix. All done, now here is the noodle soup. The next day. आज स्कूल से जब इवान वापस आया तो उसके हाथ में बहुत सारी बुक्स थी। तो मैंने देखा ये सारी बुक्स लगभग इंग्लिश में हैं। मुझे लगा था क्योंकि इवान चाइनीज स्कूल में जाता है तो इंग्लिश बुक्स नहीं होगी, इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन अपेरेंटली ये लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और पता नहीं ज्योमेट्री भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। TPR. This is English. Wow. We can learn this one together. Mama. आजकल ना इवान का बड़ा मन कर रहा है कि जो ओडिन का गांव है वहां पे सबको कॉल लगा रहा है, अपने कजन को, अपनी दादी को और भी हमारे दूसरे रिलेटिव्स को कॉल लगा के ये डांस दिखाने लगता है या कोई अपना टैलेंट या कोई टॉय दिखाने लगता है। स्कूल में इसको ये डांस सिखाया था वो ही दिखा रहा है। आपको मैंने पहले बताया था कि हमारी स्कूटी खराब हो गई थी, उसके ब्रेक में प्रॉब्लम आ गई थी, तो ओडिन इसको बालकनी में लाया है खुद ठीक करने के लिए। हमारे सामने वाली रोड में भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है लगभग एक महीने से। मेरी मेथी का क्या हाल हो गया है? पहले लग रहा था कि कुछ तो बच जाएगी, अभी कुछ भी नहीं बची है। सारी की सारी मेथी की कसूरी मेथी बन गई है अभी। देखो आप, ये सारी कसूरी मेथी है और एक मेथी का पौधा है बस जो जिंदा है। सरप्राइजिंगली जो कड़ी पत्ते का पौधा है, शुरुआत में तो मुझे लगा था कि ये जिंदा नहीं बचेगा। टाइफून आने के एक दिन बाद इसकी नई पत्तियां निकलने लग गई। इतने सारे ये जो लाइट कलर की पत्तियां, ये नई है, ये भी अभी आ रही है, रोज नई नई निकल के आ रही है। आज मौसम भी इतना परफेक्ट है। ओडिन लग गया अपने गार्डनिंग के काम में और इवान भी आज बालकनी में ज्यादा घूम रहा है, बाहर देख रहा है क्या हलचल चल रही है सड़क पे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ओडिन जी कैसे ट्रिम करते हैं अपने बॉन्साई प्लांट्स को, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ। इस टाइप की कैंची लेके थोड़ा थोड़ा ट्रिम करता रहता है, कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकालता है, ब्यूटीफाई करता है पौधों को। और थैंकफुली टाइफून में ज़्यादा डैमेज नहीं हुए पौधे, तो वो ही मुझे ही बोल रहा था कि ऐसे दिखाओ ऐसे दिखाओ। ये प्लांट फॉर सम रीज़न मुझे दिखाने बोल रहा था, बहुत स्पाइकी सा प्लांट है। देखो टाइफून की वजह से ये टूट भी गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज दिन बहुत अच्छा है, टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है और ऐसे टाइम पे ही ओडिन को बारबेक्यू करने का मन करता है। अभी एकदम फ्रेश फिश लेके आया था और श्रिम्प भी। इन दोनों को ये एक साथ ही मैरिनेट कर रहा है, उसमें डाल रहा है अदरक के स्लाइसेस, लीक्स खूब सारे डाल रहा है। फिश में उसने स्टार एनीस और सिशुआन रेड पेपर कॉर्न्स भी डाले हैं। अभी श्रिम्प या प्रॉन जो भी बोलते हैं उसमें थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं और ऑयस्टर सॉस है ये। और फिश में ये है शाओशिंग वाइन, वाइन विनेगर कुछ तो होता है ये, यहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं। ये है चिली ऑयल और थोड़ा सा सोयाबीन पेस्ट और चिकन ग्रैन्यूल्स। और अभी फिश में डाल रहे हैं खूब सारा लाइट सोया सॉस, फिश और श्रिम्प दोनों में थोड़ा सा सॉल्ट। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि देखने में इनका खाना काफ़ी सिंपल लगता है लेकिन इंग्रेडिएंट्स इनके भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बस मसाले के जगह सॉस होता है। अब इस दोनों को ये पानी से भर रहा है ताकि सब सबमर्ज हो जाए अच्छे से। आज बारबेक्यू बनाने की खुशी में ओडिन काफ़ी सामान भी लेके आया था, तो इसमें कोई चाइनीज स्नैक है, ये है गार्लिक चाइव्स,
जिसका भी शायद बारबेक्यू होने वाला है, वॉफल्स वो लेके आया रेडीमेड। मैंने पहले बेकरी वाले वॉफल्स ही खाए हैं, पहली बार मैंने देखा कि पैकेट में भी बिकता है, लेकिन ये पैकेट वाला भी इतना ज्यादा टेस्टी था मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पे ओडिन ने जो मीट है उसके बारबेक्यू की तैयारी कर दी है, प्याज में उसने कॉर्न स्टार्च अदरक वगैरह मिला के रख दिया है। ये नए टाइप के मशरूम आपने शायद पहले कभी देखे नहीं होंगे, इनको किंग ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। मैं फ्लेवर भी बहुत अर्दी सा होता है और बहुत फर्म होते हैं, तो बारबेक्यू के लिए बहुत सही रहते हैं क्योंकि इनमें से पानी ज्यादा नहीं छूटता। देखो मटन में इसने कितना सिंपल मैरिनेशन किया है, सिर्फ प्याज और अदरक। हम लोग बिजी हो गए तो इवान लग गया माइनक्राफ्ट खेलने में, और ओडिन यहाँ पे जो अभी गार्लिक चाइव्स लेके आया उसी को प्रिपेयर कर रहा है बारबेक्यू के लिए। ये बारबेक्यू में बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं किन लोगों ने बारबेक्यू के ये रेसिपीज निकाले थे लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बट जो भी है दे वर्क परफेक्टली। हम लोग जो सब्जियां यूज करते हैं ना वो बिल्कुल भी यूज नहीं करते, जैसे हम टमाटर डालते हैं, पनीर डालते हैं, शिमला मिर्च डालते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग हरे पत्ते वाली सब्जियां डालते हैं, कैबेज डालते हैं और हरी मिर्च डालते हैं, तो एकदम ही सब कुछ अलग है। कोयला भी आज ही लेके आया ओडिन, उसी को गर्म कर रहा है गैस पे, यानी जला रहा है, यहाँ पे धोने के लिए रखा हुआ है सब्जियों को। अभी इन कोयलों को सुलगने में काफी टाइम लग जाएगा, मेरे ख्याल से आधा घंटा तो लग ही जाएगा, लेकिन हमारे बालकनी में बहुत हवा आती है तो ये इवेंचुअली हो ही जाएगा। तो थोड़ी देर पहले ना इवान ने ओडिन के कजन्स को कॉल लगाया था, जैसे मैंने आपको बताया था रोज आजकल ये कॉल करता है, तो ओडिन ने बोला कि इनको भी दिखा दो कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्योंकि बारबेक्यू का शौक नॉर्थ ईस्ट चाइना में सबको है, इसकी पूरी फैमिली को है, पूरे गांव को रहता है एक्चुअली, हर एक इंसान को। एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम साउथ चाइना और रेस्ट ऑफ द चाइना, क्योंकि बाकी चाइना में आपको बारबेक्यू के रेस्टोरेंट्स भी बहुत कम मिलते हैं, लोग घर में भी नहीं बनाते, कोई कल्चर ही नहीं है बारबेक्यू का, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट चाइना में और नॉर्थ वेस्ट चाइना शिनजियांग में भी है।烤虾，烤虾。 जो श्रिम्प मैरिनेट की थी उसको सीख में डाला जा रहा है सिंपली, और यहाँ पे छिलके के साथ ही डालते हैं सब लोग। आई थिंक इंडिया से बाहर ना ज्यादातर कंट्रीज में छिलके के साथ ही श्रिम्प को खाया जाता है, पता नहीं क्यों। मुझे पर्सनली ना इंडिया वाला बारबेक्यू ज्यादा पसंद है श्रिम्प का, ये लोग ना बहुत देर तक श्रिम्प को कुक करते हैं और ड्राई ड्राई सी हो जाती है जो कि इनको पसंद आती है, बट हमको तो जूसी वाली पसंद आती है ना, तो वो एक डिफरेंस है। और फिश को भी ये खूब देर तक कुक करते हैं, स्मोक टाइप करते हैं जिससे ड्राई हो जाती है बारबेक्यू में। और अभी इसको ओडिन फिश को एक लेयर में अच्छे से प्लेस कर रहा है ताकि सब जगह अच्छे से हीट लग जाए। इवान ने एक एक करके ओडिन की चाची मामी सबसे बात कर ली, और ओडिन अभी उसको यही बोल रहा है कि ये भी दिखा, यहाँ पे ला कैमरा वगैरह। एक्चुअली इनके मैंने फैमिली ग्रुप चैट्स भी देखे हैं, ये लोग खाने को इतना शेयर करते हैं। मेरा भी इंडिया में फैमिली ग्रुप है लेकिन खाना कभी हम लोग शेयर नहीं करते, जैसे चाची या मौसियाँ शेयर कर रही हो ऐसा नहीं देखा मैंने, यूजुअली फॉरवर्ड्स ही शेयर होते हैं, लेकिन चाइना में खाना, खाने की डिशेज, आज क्या खाया वो सब शेयर होता है, तो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग आई फाउंड। अब इसको बाहर रखा जा रहा है, थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी हवा में। हरी मिर्च का बारबेक्यू यहाँ पे एक मस्ट चीज़ है, जब भी बारबेक्यू बनता है भले कोई भी मीट हो कुछ भी हो, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे हरी मिर्च होती है, कोई और सब्जी हो ना हो, तो उसकी तैयारी कर रहा है ओडिन। पूरी सॉलिड मिर्च जाती है सीख में, ओडिन को भी बहुत पसंद है। यूजुअली एंड में इसका बारबेक्यू होता है जब सारी चीज़ें बन जाती है उसके लास्ट में, और वैसे ये थोड़ी स्पाइसी होती है, इसमें और मसाला लगाया जाता है, और हर एक चीज़ के साथ ये जाती है इसलिए शायद ये इतना पॉपुलर आइटम है। ओडिन ने सोचा कि ये किंग ऑयस्टर मशरूम को भी सीख में डालेगा, बट उसने बहुत ट्राई किया, फिर सोचा कि बहुत मुश्किल है परफेक्टली सीख में आना, तो इसको अलग से ही हम बारबेक्यू करेंगे ऐसे ही। और फिर लास्ट में ये सॉसेज सिर्फ इवान के लिए है क्योंकि इवान को सॉसेजेस बहुत पसंद है। Mama,
सारी चीजों की तैयारी हो गई है पूरी। मुझे पता है मैंने आपको बारबेक्यू पहले बहुत बार दिखा चुका है, बट एक फैमिली के अंदर कैसे बनाते हैं यहाँ पे बारबेक्यू वो मैं दिखाना चाहती थी आपको। ओडिन ने सारा सामान कलेक्ट कर लिया एक जगह पे अपनी फैमिली को दिखाने के लिए कि कितना कुछ बनाया है। इवान अकेले अकेले खुद को एंटरटेन कर रहा है यहाँ पे बालकनी में। ओडिन ने कुछ एक्स्ट्रा स्क्यूअर्स भी बनाए थे, उसको वो सेलोपेन रैप में लपेट के रख रहा है। यहाँ पे ये मेथड बहुत चलता है, लोग जो भी लेफ्ट ओवर चीजें होती है उसको ऐसे रैप करके रख देते हैं फ्रिज में। लास्ट चीज है गार्लिक चाइव्स, जो कि मेरी फेवरेट है पर्सनली। इसमें बस तेल वगैरह लगा दिया है, हल्का सा नमक, इसमें ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसका इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है कि मसाले भी शर्मा जाए इससे। कोयलों को जल्दी सुलगाने के लिए यहाँ पे हम ब्लो ड्रायर से हवा दे रहे हैं उसे, और इवान मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है जैसे कि वो यूजुअली करता है। You're moving? Yes. Yes, you move. You lose. One, one, two. Mama. Hmm? What is... इवान मेरी ही पढ़ाई हुई चीजों पे मेरी क्लास ले रहा है, रैंडमली किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने लगता है। टू वन प्लस वन प्लस जीरो टू। Why one with zero becomes one? Because when you choose one with zero, this zero is missing and so it's just only one number. इवान के लेक्चर्स के साथ साथ मैं यहाँ पे खाना भी देखती जा रही हूँ, पकते जा रहा है, श्रिम्प तो पक ही गया है। फिर इवान एक जिद करने लग गया कि मैं उसे एक एयरप्लेन वाला गेम खोल के दूं। Okay, now we can play the airplane game. This is my. तो श्रिम्प और मीट लगभग बन के तैयार हो गए हैं सारे। You can peel it yourself? Yes. Okay. This is easy. Really? Yeah. तो मैंने इवान से पूछा कि उसने छीलना कैसे सीखा श्रिम्प को, क्योंकि पहले तो वो टच भी नहीं करता था। फिर इसने बताया कि स्कूल में इनको बहुत खिलाते हैं श्रिम्प। इवान कैमरा पे तो थम्स अप कर रहा है लेकिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई आज की श्रिम्प। बाद में बोल रहा था कि स्कूल में ज्यादा अच्छी बनती है। चाइनीज बारबेक्यू में एक ना एक मीट का आइटम तो होना ही चाहिए, किसी भी टाइप का मीट हो, और सी फूड अलग से काउंट होता है। तो ये आज का बहुत ही टेस्टी लगा मुझे तो। ओडिन को नहीं पसंद आया बट मैं खाई जा रही थी। इवान के लिए सॉसेज भी रेडी हो गए हैं, ऊपर से काफी मसाला डाला है। आपने देखा होगा कि वेज चीजों में यहाँ बिल्कुल मैरिनेशन नहीं करते हैं, सिर्फ नॉन वेज का करते हैं या सी फूड का करते हैं क्योंकि उनमें स्मेल होती है, और ये ऊपर से सिर्फ चिली ऑयल लगा रहा है। ये पकने के बाद ऐसा लग रहा है कुछ मशरूम। देखो आप, साइज में ये बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, बहुत कम पानी छोड़ता है ये मशरूम, जैसे बटन मशरूम एकदम छोटे हो जाते हैं ना कुक करने के बाद। और इस किंग ऑयस्टर मशरूम का और शिटाकी मशरूम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बारबेक्यू के बाद। श्रिम्प से डिसअपॉइंट होने के बाद इवान एकदम धन्य हो चुका है सॉसेज खा के। और अब जा रही है गार्लिक चाइव्स, वो भी इतनी सारी एक साथ जा रही है बारबेक्यू के बाद, कुछ ऐसी लग रही है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बड़ी वाली हरी मिर्च यहाँ पे हमेशा लास्ट में बारबेक्यू की जाती है, पता नहीं क्यों, बट जो भी है लास्ट में हम लोग सब इसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ आप रोटी खा सकते हो, यहाँ पे राइस खाते हैं लोग, या मीट के साथ मिला के खाते हैं, हर चीज़ के साथ ये जाती है, सबका टेस्ट बढ़ा देती है। और मिर्ची से याद आया कि हमारे राजस्थान में भी हम लोग हरी मिर्च जो छोटी वाली होती है उसको सेक के गैस पे खाते थे,
तो ये टेस्ट बहुत फेमिलियर है, इसलिए मुझे भी बहुत पसंद है। और ये पकने के बाद ऐसी हो जाती है, देखो आप, थोड़ी चार्ड सी। अब बस हम लोग ये सब बैठ के मिल के खाने वाले हैं, सब कुछ खत्म करना है हमको। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैंने ऐसा बारबेक्यू खाया था तो अगले दिन मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, बहुत लाइट लाइट लग रहा था। ये बारबेक्यू मुझे बहुत लाइट लगता है क्योंकि इसमें कार्ब्स ना के बराबर होते हैं, सिर्फ प्रोटीन, फैट और सब्जियां होती है, और बहुत ही मुझे हेल्दी फीलिंग आती है नेक्स्ट डे खा के। और इसको कितना भी खा लो वेट भी नहीं बढ़ता। तो अभी शाम हो गई है, आज के व्लॉग में इतना ही गाइज, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय। Would you like coffee or tea?